जी हुंडई में काम करती हूँ सेल्स में। वहाँ पे वो अपने फ्रेंड के साथ गाड़ी खरीदने आया था, उसी में विजिटिंग कार्ड से नंबर लेकर के मेरे से बातचीत कर। प्यार में बेवफाई का नाम तो सुना ही होगा आपने, और मैं आज आपको इसका अनुभव भी कराऊंगा। मेरे सामने जो लड़की देख रहे हैं, इनका नाम सुनीता है, जो सीतामढ़ी के रहने वाली है। मैं अभी सीतामढ़ी में हूँ। ये एक लड़के से प्यार करती है, और वो लड़का इनके साथ कैसा चीट करता है और भाग जाता है छोड़कर, और इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। इन्हीं से आपसे मिलवाते हैं। आप सीतामढ़ी के ही रहने वाले? जी मैं सीतामढ़ी के रहने। कौन था वो लड़का जो आपके साथ चीट किया? अवनीश कुमार। अवनीश कुमार, कैसे मिली थी, कैसे ये सब रवैया हुआ, बताइए। मैं बालाजी हुंडई में काम करती हूँ सेल्स में। वहाँ पे वो अपने फ्रेंड के साथ गाड़ी खरीदने आया था, उसी में विजिटिंग कार्ड से नंबर लेकर के मेरे से बातचीत करने लगा कि मुझे शादी करनी है आपसे, जिससे मैं शादी से इनकार कर देखी थी कि मैं शादी नहीं कर सकती आपसे, मेरे साथ कुछ दो प्रॉब्लम्स है। आप जो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वो लड़का आपसे शादी करना चाहता था, आप नहीं करना चाहती थी? जी मैं नहीं करना चाहती थी। फिर मैंने उसको बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो, बोला कि मैं मर जाऊंगा तुम शादी नहीं करोगी तो मैंने उस मैं बोली कि अपने फैमिली को ले आओ, अगर तुम्हारी फैमिली अगर कॉपरेट करेगी तो मैं 1% सोचूंगी। फिर 13 फरवरी को अपने फैमिली को लेके मंदिर में आया, और मैं वहाँ आकर के वहाँ सब मेरे से बातचीत किया, मैंने वो सबसे मैंने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम है, स्थितियाँ है, कि आप लोग करेंगे तो बोलिए। वो लोग बोले कि हाँ, मुझे तुम्हारे अतीत, तुम्हारे जीवन की कोई भी कहानी से कोई लेना देना नहीं है, बस मेरे बेटे की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है, मेरे बेटे से शादी कर लो। मैंने उसके बाद वो लोग थोड़ा सा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने लग कि ये, तो मैं मजबूर हो गई मैंने उसकी माँ के बाप के सबके बात सुनकर। फिर मैंने हाँ कर दिया, एक शादी के लिए हाँ कर दिया। हाँ शादी हो गई। शादी हो गई। शादी के बाद क्या हुआ ये बताइए। शादी के बाद मुझे, मैं उसके घर गई, मैं कुछ दिन वहाँ रही, फिर रह कर आई। वो लोग बहुत अच्छे से रख भी रहे थे, कुछ मेरे प्रॉपर्टीज हैं जो मम्मी का है, तो मैं मेरे उस पर अधिकार है, वो प्रॉपर्टी बेचने की बात कर रहे थे वो लोग। तो मैं इस बात से इनकार करती थी कि मैं ये सब नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकती हूँ, अगर ऐसा ही करना था तो आप मुझे पहले ही बता देते। फिर उसके मतलब आपके नाम पे कुछ ज़मीन है, जी, वो ज़मीन बेचने का दबाव आने लगा आप पे। जी दबाव आने लगा, उसी में मारपीट करने लगा वो लोग कि तुम नहीं प्रॉपर्टी बेचोगी। और मैं कुछ दिन में प्रेग्नेंट हो गई, तो वो लोग बोले कि प्रॉपर्टी नहीं बेचोगी तो ये बच्चा भी ख़त्म कर देंगे और तुम्हारी शादी भी तोड़ देंगे इससे। तो मैं मजबूर हो गई, बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई। फिर उसके बाद कुछ दिन बातचीत हुई उससे, मैं मायके आई। मायके आने के बाद मैं एक दिन मायके में रही, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कॉल किया कि इस तरह की बातें हैं जो क्या किया जाए। तो मैंने बोला था उसको कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं बाद में यानी ये कर लूँगी। हाँ तो उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे लेकर हॉस्पिटल गए, सेवा यहाँ पे लक्ष्मी सेवा सदन, वहाँ पे अबॉर्शन करवा दिया वो लोग। अबॉर्शन करवाने के बाद फिर मुझे यहाँ ला के रख दिया 15 तारीख को, मुझे घर नहीं लेके गया। फिर मैंने एक दिन थाना पे भी गई, थाना पे वो लोग आए, वो लोगों को बुलाया गया, थाना पे एक बॉन्ड बनाया, 19 तारीख के डेट में। उसके बाद मेरा पति और मेरे सास ससुर मुझे घर से निकाल दिया है। मैं बार बार जा रही हूँ, वो लोग रहने नहीं दे रहे, अब बोल रहे मेरी बहू नहीं है, इस तरह की बात। ये ऐसी महिला है कि इनकी कहानी अगर आप कहीं ना कहीं सुनते हैं तो अस्तम्भ रह जाएंगे। इनकी पहली शादी इनके 14 साल में हुआ था, वो नेपाल में हुआ था। वो शादी टूटने के बाद इनका एक और अफेयर हुआ था, वो भी टूटने के बाद ये तीसरा अफेयर था, जहाँ पे इन्होंने सारी अपनी घटनाएं सुनाई थी कि मेरे साथ इतिहास में ऐसा ऐसा हुआ है, आप अगर शादी करना चाहते हैं तो कीजिए वरना नहीं कीजिए, ये बोले थे आप उनको? जी मैं सब कुछ बताई थी। हाँ। मैंने अपने अतीत की बैकग्राउंड बताई थी। बैकग्राउंड बताने के बाद उनकी फैमिली बोले कि मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, मैं फिलहाल मैं अपना मेरे बेटा से अभी शादी कर लो आप। तो मैंने हाँ किया था, ये सब मैं से करना नहीं चाहती थी, सबसे दूर रहती थी। अच्छा, लेकिन मैंने कर लिया। शादी करके गलती कर दी? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी शादी करके। मुझे तो लड़का कहाँ का रहने वाला है? माने चौक पश्चिमी पंचायत। उसके पापा पेशे से सरपंच है, डॉक्टर भी है। उनका भाई एक स्टेशन हैक किया था, आलोक कुमार, वो मुझे बहुत धमकी देता है। मैं डर डर के मैं यहाँ पे भी नहीं रहती हूँ। मैं क्या धमकी देता है जरा बताएंगे? केस वापस ले लो नहीं तो मर्डर करवा दूंगा, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ
ऐसे भी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं यहाँ पे बीच डेरा में। पिता कहाँ है, आपके मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी डेथ कर गई है, मेरी मम्मी डेथ कर गई है, और पापा, मेरे पापा है ना पैरालिसिस है उनको। फिलहाल देख सकते हैं एक लड़की है और बिहार की लड़की है, जिसको लेकर कहा जाता है कि बिहार की लड़कियां सशक्त है, बिहार की लड़कियां कहीं ना कहीं आज़ाद है, पर आज़ादी के नाम पे कैसे लड़का लोग इनका यूज करता है। अगर आप लड़की हैं तो बिहार में रहती है तो प्यार करने से पहले सतर्क हो जाए कि आपका भी जो लड़का है वो भी बेवफा हो सकता है और आप भी इंसाफ के लिए दर दर भटक सकती है। फिलहाल देख सकते हैं इनका नाम सुनीता है, ये सीतामढ़ी की रहने वाली है और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है। आगे क्या करेंगे ऐसा ही रहा तो? मैं ऐसा ही लड़ूंगी, मैं जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं आगे तक लड़ूंगी उससे। मुझे इंसाफ चाहिए, जो मेरे साथ सब कुछ जानबूझ के बार बार मेरे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो मैं लड़ूंगी उससे, यानी मैं जब तक जीऊँगी तब तक लड़ूंगी उससे। ऐसे भी मेरे ज़िंदगी और जान का कोई ठिकाना नहीं है, ना रहने का, न मेरा कोई यही नहीं है, जगह ही नहीं है कि मैं कहाँ रहूँ। अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, बस मैं प्रशासन से, मीडिया से और समाज से, जो भी जहाँ तक मेरी बात लोग सुन रहे हैं, सबसे यही निवेदन करूँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करें, इंसाफ दिलाने में मदद करें। मेरा क्या है, हम तो वीडियो बना रहे हैं आपको दिखा रहे हैं, पर इनको इंसाफ मिलेगी नहीं मिलेगी ये आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि ये जो आरोप लगा रही है, ये जो लड़के पे आरोप लगा रही है, उसकी गिरफ्तारी हो और इनको इंसाफ मिले। आपका बहुत